प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को लखनऊ के लोक भवन के ऑडिटोरियम सभागार में राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया। गौरतलब है कि वर्ष 2018 से बच्चों, किशोरियों एवं महिलाओं में पोषण के स्तर में सुधार के उद्देश्य से राष्ट्रीय पोषण माह प्रत्येक वर्ष सितंबर माह में मनाया जाता है। राष्ट्रीय पोषण माह में पोषण वाटिका की स्थापना के लिए पौधरोपण अभियान तथा बच्चों के चिन्हांकन एवं अनुश्रवण पर विशेष बल दिया जाता है। इसके अलावा योग एवं आयुष बच्चों, किशोरी बालिकाओं तथा महिलाओं को केंद्रित करते हुए योग सत्रों का आयोजन तथा पोषण संबंधी प्रचार प्रसार सामग्री व अनुपूरक पुष्टाहार आदि का वितरण किया जाता है। जनपद में राष्ट्रीय पोषण माह के शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन एनेक्सी भवन के सभागार में किया गया। इस मौके पर जिला कार्यक्रम अधिकारी हेमंत सिंह, जिला प्रोविजन अधिकारी सर्वजीत सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मौजूद रहीं। इस दौरान गर्भवती महिलाओं की गोद भराई और एक बच्चे का अन्नप्राशन किया गया। इसके अलावा कुपोषण को दूर करने के उद्देश्य सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को एक एक सहजन के पौधे का वितरण किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी हेमंत सिंह ने कहा, सभी घर में आंगनबाड़ी
चंद्र प्रकाश तिवारी, उसके बाद श्री आकाश डालमिया जी आएंगे, नवनियुक्त बाल विकास परियोजना अधिकारी। ये हम सबका सौभाग्य है कि मातृस्वरूपा प्रदेश की राज्यपाल महोदय की स्वयं रुचि इस क्षेत्र में है और उनके पास एक लंबा अनुभव इस फील्ड में काम करने का है। स्वयं भी उन्होंने वाराणसी में, कानपुर में, लखनऊ में, प्रयागराज में और अलग अलग क्षेत्रों में, स्वयं जनपदों में जाकर के आंगनबाड़ी के बारे में पोषण मिशन को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने को लेकर के अनेक प्रयोग किए हैं और उसके बेहतर परिणाम भी लाए हैं। इसलिए आज का यह कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसमें स्वयं राज्यपाल महोदय का मार्गदर्शन और आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब इस बात पर गौरव की अनुभूति कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश को एक नया विजन दिया है और उस विजन के ही क्रम में अगर एक समर्थ और सशक्त राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करना है तो वह कहां से प्रारंभ होता है। अगर मां कुपोषित है तो बच्चा कभी सुपोषित नहीं हो सकता और इसलिए मां के स्वास्थ्य पर ध्यान देना और अगर किन्हीं कारणों से बच्चा कुपोषित हो गया है तो उस पर भी ध्यान देना, इसी बात को ध्यान में रखकर के 2018 से पूरे देश के अंदर सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है और आज ये चौथा राष्ट्रीय पोषण माह के कार्यक्रम से हम सब जुड़ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में एक माँ स्वस्थ हो, एक बच्चा स्वस्थ हो, प्रधानमंत्री जी की सोच इस राष्ट्रीय पोषण मिशन के साथ जुड़ी हुई है और इसलिए इस राष्ट्रीय कार्यक्रम के साथ हर भारतवासी को जुड़ना चाहिए, क्योंकि जब एक माँ या एक बच्चा कुपोषित होता है तो ये केवल एक परिवार के लिए नहीं समस्या है, ये चैलेंज पूरे समाज के लिए और पूरे राष्ट्र के लिए होती है और इसलिए उस पर ध्यान देने के लिए 2018 से जो निरंतर कार्यक्रम चले हैं उसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आए हैं। उन परिणामों का ही फलस्वरूप है कि आज जो अनेक प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं, इन कार्यक्रमों के क्रम में हम सबको जो एक माह तक चलने वाले इस कार्यक्रम में जो चार श्रेणियां विभाजित की गई हैं उसमें प्रथम सप्ताह में जितने भी हमारे सरकारी स्कूल हैं, आवासीय स्कूल हैं, आंगनबाड़ी हैं, ग्राम पंचायत की अतिरिक्त भूमि पर पोषण वाटिकाओं की स्थापना और
पौधरोपण का अभियान, द्वितीय सप्ताह में योग एवं आयुष यानी जिसमें बच्चे किशोरी बालिकाएं गर्भवती महिलाओं को केंद्रित करते हुए योग के विशेष सत्रों का आयोजन, उनके लिए एक बच्चे के लिए किस प्रकार की योगिक क्रियाएं हो सकती हैं, एक किशोरी बालिका को कौन से योगिक क्रियाओं को करने से और एक गर्भवती महिला के लिए किस प्रकार के योगिक क्रियाओं को करने से वह योग की इन क्रियाओं का लाभ ले सकती हैं, इसके बारे में विशेष सत्र का आयोजन करना, तृतीय सप्ताह में पोषण संबंधी प्रचार प्रसार सामग्री और अनुपूरक पुष्टाहार आदि के वितरण की कार्रवाई बृहद पैमाने पर पूरे प्रदेश के अंदर करना, और चौथे सप्ताह में सेम और मैम बच्चों का चिन्हांकन हेतु एक विशेष अभियान प्रारंभ करना, यानी ये चार सप्ताह का ये कार्यक्रम एक विशेष अभियान है। और इस अभियान के साथ मुझे लगता है कि हम सबको जुड़ करके इसे सफल बनाना चाहिए, क्योंकि यह एक बच्चे और एक माँ और एक बच्चे के ही स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ नहीं है, इस समाज और राष्ट्र से जुड़े हुए, उसके स्वास्थ्य से जुड़े हुए, उसके सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ एक महाअभियान है। और इसलिए इस अभियान के साथ जुड़ करके हम सबको इसे सफल बनाने में अपना योगदान देना चाहिए। सरकार ने इस दिशा में बहुत सारे अपने अभियान प्रारंभ किए हैं, पहले से बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, अनेक अभिनव प्रयोग प्रधानमंत्री जी के स्तर पर, राज्यपाल महोदय के स्तर पर, विभाग के स्तर पर, शासन स्तर पर इस पर हुए हैं और उससे बेहतर परिणाम भी सामने आए हैं। उस बेहतर परिणाम के साथ अगर हम जुड़ेंगे तो उसके बेहतर परिणाम आए हैं, और उस बेहतर परिणाम का ही आज यहाँ पर प्रदर्शन है कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, मुख्य सेविका तथा बाल विकास परियोजना अधिकारियों को यहाँ पर अभी राज्यपाल महोदय के कर कमलों से उन्हें प्रशस्ति पत्र भी दिया गया है। मैं इन सभी को हृदय से बधाई देता हूँ, इन सबको हृदय से उनको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश में आज 529 आंगनबाड़ी केंद्रों की भी स्थापना और माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों से उनका उद्घाटन का कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ है। राज्यपाल महोदय हमेशा इस बात के लिए चिंतित रहती थी कि प्रदेश के अंदर बहुत बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे हैं जहां पर वे किराए के भवन पे चलते हैं, एक अस्थाई भवन पे चल रहे हैं, क्या हम उन्हें अस्थाई भवन दे सकते हैं? और मुझे प्रसन्नता है कि विभाग ने इस कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। आज 529 का लोकार्पण हुआ है और मैं विश्वास करूंगा कि हम लोगों ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की जो प्राथमिकताएं तय की हैं, उन प्राथमिकताओं में आंगनबाड़ी का अपना स्वयं भी भवन हो और उसके लिए भूमि के आवंटन के साथ साथ इस कार्रवाई को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने की जो कार्रवाई चल रही है, एक साथ हम इस कार्यक्रम को सभी आंगनबाड़ी को अपने स्वयं के भवन में स्थापित कर सकें, इस दृष्टि से हम इसे मिशन मोड पर लेकर के बहुत शीघ्र माने राज्यपाल महोदय के कर कमलों से उन सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का भी उद्घाटन कर सकें, ये हमारा प्रयास होना चाहिए और हमें इसे एक अभियान के रूप में आगे बढ़ाना चाहिए। कोरोना कालखंड के दौरान यद्यपि हम लोग उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में पूरी तरह सफल नहीं हो पाए, जो हम लोगों का प्रयास था कि 2020 से आंगनबाड़ी और हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय एक ही केंद्र के पास आसपास सटे थे, आंगनबाड़ी को प्री प्राइमरी के रूप में आगे बढ़ाने की कार्रवाई। बच्चे जो 3 वर्ष के होते हैं, 3 वर्ष के बाद आंगनबाड़ी में आना प्रारंभ करते हैं, 3 से 5 आयु के वर्ग के बच्चे जब आंगनबाड़ी केंद्रों में विभिन्न गतिविधियों के साथ जुड़ते हैं, तो क्या हम इसे प्री प्राइमरी के रूप में आगे बढ़ा करके उन बच्चों के न केवल स्वास्थ्य के बारे में, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, बल्कि वे स्कूली पाठ्यक्रम के साथ जुड़ करके धीरे धीरे स्कूल के प्रति उनकी रुचि बढ़ सके, इस भाव के साथ हम लोगों को एक कार्यक्रम चलाना था, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में हमें समस्या खड़ी हुई। आज कोरोना उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग नियंत्रण में है। आज ही अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर देखेंगे तो 24 करोड़ की आबादी में मात्र 22 मामले आए हैं कोरोना पॉजिटिव के,
28 जनपद ऐसे हैं जहां कोरोना का एक भी मामला आज के दिन पर नहीं बचा है। आज 59 जनपद ऐसे हैं जहां एक भी कोरोना का पॉजिटिव केस नहीं आया है, और बाकी जो 16 जनपद हैं उन 16 जनपदों में सिंगल डिजिट में केस आए हैं। यानी हम लोगों ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्रधानमंत्री जी के का वो जो आह्वान था, जो संकल्प था कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उसका अनुपालन करते हुए प्रत्येक नागरिक को इसके प्रति आग्रही बनाया, वैक्सीनेशन के साथ जोड़ा। आज उत्तर प्रदेश ने देश के अंदर सर्वाधिक वैक्सीन देने वाला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। 8.8 करोड़ से अधिक लोगों को हम वैक्सीन की डोज उपलब्ध करा चुके हैं। लगभग 7.39 करोड़ से अधिक लोगों को हम लोगों ने अब तक कोविड टेस्ट उनके संपन्न किए हैं, यानी दोनों देश के अंदर सर्वाधिक है। और इस काल या हमारे लिए सबसे उपयुक्त कालखंड है जब हम आंगनबाड़ी की गतिविधियों को भी हम आगे बढ़ा करके कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इन गतिविधियों को आगे बढ़ा करके पोषण माह के इन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सकें। और आज इस अवसर पर नवनियुक्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों के ऐसे 90 जो लोक सेवा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित हुए हैं, ऐसे अधिकारियों का चयन संपन्न होने के बाद आज राज्यपाल महोदय के कर कमलों से उन्हें यहां पर नियुक्ति पत्र भी वितरण होने का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। मैं नवनियुक्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों को उनके चयन के लिए उन्हें बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को समयबद्ध ढंग से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं, और आप सबसे अपेक्षा रखता हूं कि चयन की प्रक्रिया आपने देखी होगी कितनी पारदर्शी थी, आपको कहीं सिफारिश कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी। मेरिट के आधार पर सारे कार्यक्रम हुए हैं। जब सरकार मेरिट के आधार पर आपका चयन करवा रही है, उस प्रकार की सुविधा दे रही है, उस प्रकार का मंच दे रही है, तो सरकार ये अपेक्षा आप सबसे रखती है कि आप भी इस मिशन के साथ जुड़ करके ईमानदारी पूर्वक परिणाम दीजिए। क्योंकि बच्चे ये ईश्वर की कृति है, उसके लिए शासन के द्वारा अनुमन्य जो सहायता है ये उस तक पहुंचना चाहिए, एक ईश्वरीय कार्य है। और उस ईश्वरीय कार्य के साथ अगर हम सब जुड़ते हैं तो ये मान करके चलिए कि हम स्वयं को धन्य करते हैं, क्योंकि यह आप राष्ट्र की आधारशिला को मजबूत कर रहे हैं। और एक कुपोषित बच्चे और एक कुपोषित मां से उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह समाज और राष्ट्र की वर्तमान की चुनौतियों का सामना करने के लिए समाज के साथ खड़ी हो सके। अनेक प्रोग्राम है, अनेक कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों के साथ हमें जुड़ना होगा, उन कार्यक्रमों को ईमानदारी के साथ पहुंचाना होगा। और महिला सशक्तिकरण की दिशा में तो बहुत सारे कदम बढ़ाए गए हैं। मिशन शक्ति का तीसरा चरण का कार्यक्रम वर्तमान में चल रहा है। इस कार्यक्रम में आप देख रहे होंगे कि महिला पुलिस अधिक यानी आरक्षी जो 30,000 की संख्या में प्रदेश के अंदर भर्ती की गई थी, उन सबको महिला पुलिस बीट अधिकारी के रूप में तैनाती दी गई है। वह महिलाओं से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान तो कर ही रही है, लेकिन साथ साथ पोषण से जुड़ी हुई और महिला कल्याण से जुड़ी हुई उन सभी योजनाओं का लाभ गांव की और नगरीय क्षेत्र में मोहल्ले मोहल्ले में जो महिलाएं हैं जिनको इनके बारे में बहुत जानकारी नहीं, उनको देने का कार्य भी सफलतापूर्वक वहां पे कर रही है। दूसरा, इस अभियान को कैसे हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सकते हैं, इसमें बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। हमारी आंगनवाड़ी यहां पर है। कोरोना कालखंड के दौरान हम देख रहे थे जब तमाम अच्छे अच्छे लोग अपने को सेल्फ क्वारंटीन में घर में बंद किए हुए थे, तब आशा वर्कर और आंगनवाड़ी ANM ये लोग गांव गांव और मोहल्ला मोहल्ला जाकर के एक एक परिवार का स्क्रीनिंग कर रही थी और उनको मेडिसिन किट उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही थी। अगर ये निगरानी समितियों के माध्यम से ये कार्य ये लोग नहीं करते, उत्तर प्रदेश में कोरोना की स्थिति को संभालना कठिन हो जाता है। और मुझे तो इस दौरान गांव गांव में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। कोरोना जब पीक पे चढ़ गया,
देश के अंदर स्थिति अनियंत्रित सी होती दिखाई दे रही थी। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी आबादी का राज्य, सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने थी। उस समय कैसे इस समस्या का समाधान हो, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे स्वयं फील्ड में निकलना चाहिए। और तब मैं जाता था, गांव में जाता था, मैं देखता था, कोई मिले ना मिले, लेकिन वहां पे आंगनवाड़ी और आशा वर्कर जरूर मिल जाती थी हम लोगों को। कितना अच्छा काम उन लोगों ने उस समय किया था। और उस कार्य को ही ध्यान में रख करके सरकार ने निश्चित किया कि हम आंगनवाड़ी और आशा वर्कर के मानदेय को बढ़ाने का काम करेंगे। और सरकार उस दिशा में बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही। हम उन लोगों के साथ बैठ करके कार्य योजना उसका विभाग तैयार कर रहा है। लेकिन साथ साथ मैंने विभाग को ये भी कहा है कि उनका जो पिछला बकाया है उसका भी तत्काल भुगतान करने की व्यवस्था कर लें, जिससे किसी कोई सामने भी कोई ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए कि वह बाद में सरकार के सामने या विभाग के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आनी चाहिए। क्योंकि आज तो ये समय है कि जब उनके कार्यों के लिए उन्हें सम्मानित किए जाने की आवश्यकता है। और सरकार उस दिशा में एक बेहतरीन प्रयास आप सबके लिए करेगी। आज के इस अवसर पर फिर मैं आप सबसे यही अपील करूंगा कि ये सितंबर माह राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में 4 सप्ताह के 4 प्रकार के कार्यक्रम आप माध्यमिक जो हमारे जूनियर हाई स्कूल होंगे, जो बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल होंगे, जो आंगनबाड़ी केंद्र होंगे उनके पास किचन गार्डन स्थापित कर सकती हैं। विद्यालयों को इसके लिए हर वर्ष उसके रख रखाव के लिए धनराशि की व्यवस्था भी है। इसके अलावा एक नया कार्यक्रम जो हम लोगों ने विगत वर्ष प्रारंभ किया था कि अगर कुपोषित माँ है तो उसके लिए बहुत ज्यादा दूध की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास प्रदेश में 6 लाख गोवंश वर्तमान में निराश्रित गौ आश्रय स्थलों में है। उनमें बहुत सारी गाय ऐसी हैं जो दूध देने वाली हैं। वो 200 ग्राम 300 ग्राम 500 ग्राम तक दूध देती हैं। अगर इसमें से 50 ग्राम दूध सुबह 50 ग्राम दूध शाम को किसी भी कुपोषित माँ को मिल जाए या किसी बच्चे कुपोषित बच्चे को मिल जाए उसके लिए अमृत हो जाएगा ये। क्योंकि ज्यादा दूध नहीं, क्योंकि जितना व्यक्ति को उतना खाना चाहिए जितने पचाने की क्षमता हो। अगर पचाने की क्षमता 100 ग्राम है और वह व्यक्ति 500 ग्राम ले रहा है तो अपच हो जाएगा और बीमार हो जाएगा। इसलिए धीरे धीरे आप उसको बढ़ाएंगे तो वह निराश्रित गौ आश्रय स्थलों पर जो गायें हैं हम लोगों ने व्यवस्था की है कि हर कुपोषित मां को प्रशासन जनपद स्तर पर इस बात को सुनिश्चित करें, जिसमें लगभग मेरा अनुमान है कि लगभग 2500 के आसपास ऐसी कुपोषित माताओं को अब तक एक एक गाय उपलब्ध कराई गई है। और उसमें गाय उपलब्ध कराने के साथ साथ हर माह उन्हें 900 रुपया उस गाय के लालन पालन के लिए अलग से दिया जा रहा है कि जिससे वह स्वयं दूध भी लेगी और दूध लेने के साथ साथ गाय का पालन पोषण के लिए सरकार की तरफ से 900 रुपये हर माह उस परिवार को उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। और मैं आप सब के साथ कहूंगा जो किचन गार्डन हम बनाएंगे इसके साथ ऐसी महिलाओं को जोड़ने के साथ साथ ग्राम पंचायत में भी जो भूमि होगी राजस्व विभाग के साथ बैठ करके जिला प्रशासन भी इस बात को सुनिश्चित करें कि उनके लिए भी छोटे छोटे पट्टे इसको उन परिवारों को देते हुए गाय की व्यवस्था उनके लिए करवाते हुए और एक एक गाय दूध देने वाली गाय एक एक उपलब्ध करवा देंगे। आप देखना 2 महीने के अंदर परिणाम एकदम बेहतरीन परिणाम आते हुए दिखाई देंगे। ये शासन की योजना पहले से है, अगर हम इसको और अच्छे ढंग से आगे बढ़ा पाएंगे तो ये 4 सप्ताह का एक कार्यक्रम, वैसे भी उत्तर प्रदेश में अगर इस कार्यक्रम को हम और तेजी से आगे बढ़ाएंगे तो देश के अंदर सबसे बेहतरीन कार्यक्रम उत्तर प्रदेश का बाल विकास और महिला कल्याण का ये विभाग करने में सफल हो पाएगा। आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर राष्ट्रीय पोषण माह 2021 के शुभारंभ के अवसर पर मैं एक बार माननीय राज्यपाल महोदय का इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सबके इस कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आज का ये विषय मेरे लिए तो बहुत ही दिल के नजीक है। मैं जब मंत्री बनी तब ऐसा सुनने में आता था कि ACS कौन है, और सामान्यतः
मंत्रियों के मन में और ACS के मन में, अधिकारियों के मन में ये रहता है कि राजस्व PWD विभाग मिले तो अच्छा है, सबका ध्यान उस पर ही रहता है। यदि महिला बाल कल्याण मिल गया तो बड़ी सजा हो गई, ऐसा मानते हैं। मंत्रियों में भी वही भाव रहता है कि मुझे तो महिला कल्याण दिया है। अब सोचिए भारत में 50% महिलाएं हैं और 25% बच्चे हैं, ये 75% लोगों की ओर देखने का रवैया हमारा होना चाहिए मित्रों। यदि भारत को, हमारी महिलाओं को, हमारे बच्चों को सशक्त बनाना है, संस्कारी बनाना है, स्वस्थ बनाना है, तो ये डिपार्टमेंट पर सबसे ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। और जो श्रेष्ठ ACS हो, श्रेष्ठ मैं तो कहती हूँ, जो दौड़ता रहता है जिलों में, तालुका प्लेस पर, गांव गांव, वो ही अच्छा महिला बाल कल्याण चला सकता है। क्योंकि हमें पता ही नहीं है नीचे गांव में, एक गांव में भी 4-6-7 आंगनवाड़ी होती है और आपकी एक गांव में 10-12 महिलाएं काम कर रही है, आशा वर्कर काम कर रही है, तो कितना बड़ा एक जूथ सरकार के साथ जुड़ा हुआ है। तो सरकार की हर इंफॉर्मेशन ये जो नीचे स्टाफ है उसके द्वारा सरकार के पास आ सकती है मित्रों। दूसरा, सभी अपने अपने तरीके से काम करते हैं, महिला बाल विभाग वो करेगा, हेल्थ विभाग ये करेगा, PWD वो करेगा, वो करेगा, लेकिन जो डिपार्टमेंट के बीच में संकलन होना चाहिए इसका भी थोड़ा सा अभाव नहीं कहूंगी, लेकिन सोच अभी बनी नहीं है मित्रों। मैं कई आंगनवाड़ियों में जा रही हूं, एक प्रवास में एक डिस्ट्रिक्ट में एक आंगनवाड़ी दो आंगनवाड़ी तो रहती ही है। अभी देखिए मैंने कई आंगनवाड़ी में ये पूछा हमारी कार्यकर्त्रियों को कि गोद भराई की रस्म तो हुई लेकिन ये महिलाओं की डिलीवरी कौन सी हॉस्पिटल में होने वाली है, तो एक दूसरे के सामने देखने लगे और मुझे जवाब ये मिला कि वो तो आशा वर्कर देखती है, आंगनवाड़ी एक, आप उसको भोजन करवाते हो, व्यंजन बनाने सिखाते हो, तो इतना तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी हॉस्पिटल में हमारी ये महिलाओं की डिलीवरी होने वाली है, ये बहुत जरूरी है। दूसरा, जो 5,000 रुपया मिलता है, 5,000 रुपया मिलता है सगर्भा माता को खाने पीने के लिए, अब महिलाओं को पूछो तो वो तो बोलती ही नहीं है, क्योंकि शायद मेरी भाषा समझ नहीं होगी। क्या पैसा लाते हो बैंक में से, क्या खरीदते हो, क्या खाते हो, कौन लाता है, तो वो तो चुप रहती है। अभी मैं एक फर्रुखाबाद जिले में जाकर आई तो वहाँ मैंने कहा कि एक काम कीजिए, वहाँ हमारे यूनिवर्सिटी के 2 VC थे आंगनवाड़ी में जो टॉयज वगैरह देने के लिए आए थे, तो मैंने कहा कि आप एक प्रोजेक्ट बनाइए, यूनिवर्सिटी के साथ संबंध करने वाली जो कॉलेज है और वहाँ ही कोई कॉलेज है, गांव के आसपास एरिया में कॉलेज है, तो उनके स्टूडेंट्स जितनी गांव में महिलाएं हैं 10 गांव तय करो, 15 गांव तय करो, और इसमें जितनी सगर्भा माता है उसके बैंक अकाउंट में कितने पैसे कब जमा हुआ और इसमें से विड्रॉ कब हुआ, कितना हुआ और क्या फ़ायदा उसको हुआ, वेट तो होता ही रहता है, तो 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद वो लाए तो उसके वेट में कोई चेंज हुआ कि नहीं, वेट बढ़ा कि नहीं, बीमार होती थी तो धीरे धीरे करके बीमारी कम हो रही है, ऐसे कई बिंदुओं पर
इसका स्टडी करने की बात में कही है कि आप स्टडी करिए। और दूसरी बात यह है कि जो टीबी वाले बच्चे हैं, 500 रुपया तो मिलता है मित्रों, करोड़ों रुपया का खर्च हम करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है कि नहीं, 500 रुपया में से वे लोग क्या लाते हैं और बच्चों को क्या खिलाते हैं, उसका भी स्टडी करने की आवश्यकता है। और इसी वजह से यूनिवर्सिटी को इनके साथ जोड़ना और वे प्रोजेक्ट बनाए और इसमें से क्या परिणाम आता है वो परिणाम ये सरकार के सामने रखें कि जिसकी वजह से हमें पता चला कि हम जो तिजोरी में से वहाँ भेज रहे इसका सही में इसका लाभ प्राप्त हुआ है कि नहीं हुआ है। यदि कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है, थोड़ा सा रह गया है, तो और हम आगे चलकर इसमें देखभाल कर सकते हैं, अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेशन करवा सकते हैं। एक अच्छी बात मैंने वहाँ देखी फरुखाबाद में, शायद मैंने सीएम को तो पता होगा ही, वहाँ जो गौशाला चलती है, बहुत बढ़िया गौशाला चलती है मित्रों, मैंने देखा ग्रीन घास भी काफ़ी मात्रा में वे लोगों ने उगाया है सरकारी लैंड पर, और शायद 30 गौशालाएं पूरे डिस्ट्रिक्ट में वे लोगों ने शुरू किया है, लेकिन एक प्रोजेक्ट शुरू किया है और वे महिलाओं जो इस प्रोजेक्ट में जुड़ी हुई है वे महिलाओं का सम्मान किया था उसी समय, इसी वजह से मुझे पता चला। वे लोग, हमारी ये परंपरा रही है हिंदुओं की खास करके, कि माता जब रोटी बनाती है तो सबसे पहले एक रोटी वो अलग कर देती है गाय को खिलाने के लिए। गाय माता है, उसको खिलाने के लिए हमारे मन में ये भाव रहता है कि हमारी गाय माता भूखी नहीं रहनी चाहिए। और गाय तो पहले आती जाती रहती है तो खिला देते थे, अभी इसमें थोड़ी सी कमी आ गई है, गौशालाएं वगैरह वगैरह बन गई, लेकिन वो भाव तो अंदर पड़ा हुआ है कि यदि समय मिले या तो गाय आ जाए तो हम खिला दें। तो ये डीएम ने ये किया कि गांव में लोगों को एकत्र करके रोटी, कम से कम एक रोटी दो रोटी आप रखिए, हमारे यहाँ से कोई बंदा आएगा और वो रोटी कलेक्ट करेगा और वो रोटी वहाँ गौशाला में पहुँचाई जाएगी और वहाँ गौ को, गाय को रोटी खिलाई जाएगी। अब इतना सुंदर एक कंसेप्ट, और इसमें रोटी कौन कलेक्ट करता है, मैंने पूछा तो कहा कि एक दिव्यांग बच्चा है, उनको हम लोगों ने साइकिल दी है, जो 25-50 घर है आइडेंटिफाई है वहाँ जाकर वो रोटी इकट्ठा करता है और डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाता है। ये जो प्रेरित करने का काम कौन करता है, तो गांव की एक महिला थी, वो महिलाओं का सम्मान हुआ, वो प्रेरित करने का काम करती थी, 5-25 महिलाओं को एकत्र करना, सबके साथ बैठना, चर्चा करना और एक एक रोटी दो रोटी देना, वो बात वो करती थी और लिस्ट बनता था और वहाँ से रोटी कलेक्ट होती थी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये तो एक अच्छा पवित्र काम है, पुण्य का काम है मित्रों, लेकिन मुझे लगा कि इसमें एक और आप जोड़ दो। क्या जोड़ना, तो मैंने बताया कि भाई वही गांव में अब इतने अच्छी तरह से लोग काम में जुटे हैं, तो आप एक आंगनवाड़ी के एक दो बच्चे ही कुपोषित होते हैं, तो कुपोषित बच्चों को भी इसके साथ जोड़ दो। जो चार महिलाएं काम कर रही है वो चार महिला ही, और वहाँ की ग्राम प्रधान, ये तीनों मिलकर जितने अपने अपने इस आंगनवाड़ी में बच्चे हैं कुपोषित, उनके साथ जोड़ो, कुछ न कुछ खिलाएंगे, दूध पिलाएंगे या अपने घर से कुछ लेकर वे लोगों को खिलाएंगे, तो मुझे लगता है कि कुपोषण में से जल्दी हमें हमारे यूपी को बाहर निकाल सकते हैं मित्रों। जनता को जोड़ना बहुत ही जरूरी है मित्रों, और मैंने देखा है कि जब टीबी वाला काम का आरंभ किया तब मुझे लगता था कि कौन आएगा कौन करेगा, लेकिन आज मैं देख रही हूँ कि सामने से लोग आए गए, एक बार 25 बच्चों को लिया, टीबी में से मुक्त हो गया, तो दूसरे 25 बच्चों को ले रहे हैं, अभी कहना नहीं पड़ता है, खुद स्वयं अधिकारी डीएम सीडीओ मेन अधिकारी हेल्थ विभाग के अधिकारी वो भी बच्चों को गोद ले रहे हैं। जो ये भाव हमारे समाज में पड़ा हुआ है, तो हम कुपोषित बच्चों को भी इसके साथ जोड़ सकते हैं।
दौड़िए, मैं तो कहती हूँ इतना पोटेंशियल है यूपी में, लोगों में इतनी ताकत है मित्रों, और ये ताकत का सही उपयोग जो आप सब लोग मिलकर करोगे तो मैं मानती हूँ कि बहुत ही तेज गति से यूपी को कोरोना मुक्त भी बना सकते हैं, टीबी मुक्त भी बना सकते हैं, कुपोषण मुक्त भी बना सकते हैं। और हमारे भारत के प्रधानमंत्री की जो इच्छा है कि भारत कुपोषण में से मुक्त हो मित्रों, तो हम करवा सकते हैं, संकल्प कीजिए और आगे बढ़िए। धन्यवाद। हम सब लोगों को पोषण के प्रति कितना जागरूक कर सकते हैं, इसी को लेकर के ये पोषण अभियान चलाया गया है, और स्पेशली एक पोषण माह में हमको क्या क्या करना है, इसी संबंध में दिशा निर्देश हम लोग के बीच में जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय दे रहे थे। हम सब जानते हैं कि राष्ट्रीय पोषण माह जो है उसके तहत हम लोग सितम्बर महीने को पोषण माह के रूप में मनाते हैं, और इसमें क्या क्या कार्यक्रम होते हैं, कैसे कार्यक्रम होते हैं, सब हम लोग को पहले से अवगत है। लेकिन एक परंपरा है कि हर साल हम लोग को ये निर्देश लखनऊ से आता है कि किस माह में हम लोग क्या क्या कार्यक्रम करेंगे, किस सप्ताह में। उसी के तहत हम लोग जो पहले सप्ताह में पोषण वाटिका और पौधारोपण का कार्यक्रम करना हम लोगों को, इसके तहत हम लोग सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर, स्कूल पे, और जो हमारे लाभार्थी हैं खास करके जो कुपोषित बच्चे हैं उनके घर पर कुछ ऐसे पौधे हम लोग लगाएंगे, अगर जगह के जितना जगह वहाँ पर उपस्थित उपलब्ध हो उसके आधार पर ऐसे पौधे लगाएंगे जो पोषण में सहायक होते हैं। उस क्रम में पहला पौधा जो है जो सबसे महत्वपूर्ण है वो सहजन का पेड़ है। आप सब जानते हैं, आप लोग कई बार सहजन का पेड़ लगा चुके हैं, अपने केंद्रों पर लगा चुके हैं, और लाभार्थी घर में आप लोगों ने लगवाया है। लेकिन इसमें मेन उद्देश्य है कि कुछ फोकस करके जो स्कूल है जहाँ बाउंड्री वॉल है और आंगनबाड़ी केंद्र है जहाँ सुरक्षित जगह है वहाँ पे पोषण वाटिका लगाया जाए। पोषण वाटिका में जो सहजन का पौधा है, पपीता है, और जो सब्जियाँ हैं जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो पोषक तत्वों से भरी हुई हैं, उन सब्जियों को वहाँ लगाना है, उसकी देखरेख करना है। ये इसकी देखरेख हम लोगों को अपने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और उनकी सहायिका के माध्यम से करना है। और एक इसमें अच्छा सुझाव डीएम साहब का भी पिछली बैठक में था कि एक एक पेड़ जो लगाते हैं या एक एक पौधा जो लगाते हैं आप, वो आप अपने बच्चों का नाम दे दिए उसमें, जो भी आपके आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चे हैं उनका नाम लेकर के एक एक पौधे को, एक एक बच्चे का नाम लेकर के उनको सुरक्षा की दृष्टि से, और वो बच्चे उसकी देखभाल करेंगे, और उनसे जो भी सब्जी निकलेगी या फल जो निकलेगा उसको हम लोग उसका यूज करके बच्चों को सुपोषित बनाने में सहायता ले सकते हैं। इसमें ग्राम पंचायत का भी सहयोग लेना है, मनरेगा डिपार्टमेंट का भी सहयोग लेना है, बीएचओ साहब हमारे बैठे हुए हैं, जो भी तकनीकी सहयोग है आपको अभी ये संबोधित भी करेंगे, बताएंगे डिटेल में कैसे कैसे लगाया जाएगा, क्योंकि तकनीकी तौर पे हम लोगों से अच्छा सक्षम है, मजबूत हैं, तो इनको ये बताएंगे। इस तरह से हम लोग पोषण वाटिका का जो ये कॉन्सेप्ट है इसको पहले सप्ताह करना था, आप लोगों ने सहजन का पेड़ लगाया भी है, और डीएचओ साहब की तरफ से हम लोग को लगभग 1 से 2 हज़ार सहजन के पेड़ देने की बात की जा रही है। अभी हम लोग यहाँ डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे, और बाहर भी सहजन का पेड़ रखा हुआ है, आप लोग वहाँ से ले जाइए अपने लाभार्थी के यहाँ या अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर लगाएं उसको। Thank you.
आगे देखिए पोषण माह सितंबर माह को हम लोग पोषण माह के रूप में मनाते हैं। उसी के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी और महामहिम राज्यपाल महोदय लखनऊ से उद्घाटन की थी, उसका हम लोगों ने यहाँ लाइव प्रसारण कराया है और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एक शुभारंभ के रूप में कार्यक्रम आज किया जा रहा है, जबकि हमारा कार्यक्रम जो है वो एक तारीख से प्रारंभ है, पूरे माह चलेगा ये पोषण माह के रूप में। हाँ, यहाँ पे हम लोगों ने चूँकि हमारा विभागीय कार्यक्रम है गोद भराई और अन्नप्राशन का, दो महिलाओं को गोद भराई का कार्यक्रम कराया गया है और एक बच्चे को अन्नप्राशन। इसके साथ ही जो सहजन का पेड़ है वो पोषक तत्वों से भरपूर होता है, तो हम लोग को ये पोषण माह के रूप में जो मना रहे हैं उसमें एक सप्ताह हम लोग ये पोषण वाटिका के लिए मनाते हैं, जिसमें जो पोषक तत्व से भरपूर पौधे होते हैं उनको लगाया जाता है, उसमें सहजन का प्रथम स्थान है। इसलिए आज हम लोगों ने सहजन का पेड़ बंटवाया है और 300 सहजन का पेड़ यहाँ बांटे हैं। उसके बाद फिर हम लोग 2000 का टारगेट रखे हैं DHO साहब के माध्यम से, उद्यान विभाग के माध्यम से 2000 पेड़ जो है वो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसका सहजन का।